Very pleasant morning, students. How are you? Yesterday we discussed about from your EVS book chapter 5, human body. Human body के बारे में कल हम देखे थे कुछ point और उसमें हम देखे थे our body, external and internal parts of our body के बारे में और आज sense organs के बारे में देखे थे और आज हम देखने के लिए जा रहे हैं various system in our बॉडी. तो हमारे बॉडी में बहुत सिस्टम है, एक नहीं बहुत सारे सिस्टम है और उसके बारे में एक बाय वन बाय वन हम उसको डिस्कस करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. वेरियस सिस्टम इन आवर बॉडी. तो हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है, बहुत सारे प्रणाली हैं. जस्ट एज ए हाउस इज मेड अप ऑफ मेनी ब्रिक्स. हम जानते हैं कि एक मकान बनाने के लिए बहुत ब्रिक्स की यानी कि ईंट की ज़रूरी होती है. ठीक उसी तरह आवर बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मेनी टीनी सेल्स. तो उसी तरह हमारे बॉडी बनाने के लिए बहुत छोटे छोटे सेल्स की ज़रूरी होती है. दिस सेल्स आर द बिल्डिंग्स ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी. तो वो सेल्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को वो बनाते हैं. अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जॉइन टूगेदर टू फ्रॉम टिश्यूज. ये जो ग्रुप है, एक सिमिलर है सेल्स है, वो क्या करता है, हमारे टिश्यूज को जॉइन करता है. डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज टूगेदर फ्रॉम ऑर्गन. तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत काइंड्स के क्या है, डिफरेंट टाइप्स काइंड्स का जो टिश्यूज है, कोशिका जो, तो वो हमारे बॉडी के अंदर है. डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन टूगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शंस एंड मेक अ सिस्टम. तो बहुत जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं, जोड़ते हैं हमारी और जो स्पेसिफिक है कार्य प्रस्तुत करते हैं और हमारी क्या वो एकदम सही रीति से है ना फंक्शन को बनाते हैं, एक प्राणी को वो बनाते हैं. वो देखेंगे हम. पहले तो है सेल्स है, सेल्स के बाद टिश्यूज है, टिश्यूज के बाद ऑर्गन्स है और उसके बाद ऑर्गन्स सिस्टम है. ये एक ही एक लाइन में इसको किया गया है, वन बाय वन. द इम्पोर्टेंट सिस्टम ऑफ आवर बॉडी सर. जो इम्पोर्टेंट सिस्टम है उसके बारे में हम देखेंगे. पहले तो है स्केलेटल सिस्टम, उसको बोलते हैं क्या, स्केलेटल मीन्स कंकाल, अस्थि पंजरा. जैसे कि जैसे कोई मर जाते हैं है ना, उसको हम जला देते हैं या दफना देने के बाद फिर निकालते हैं ना, वो कंकाल निकालता है. उसके बाद है मस्कुलर सिस्टम और वो है मांसपेशियां. और सर्कुलेटरी सिस्टम वो है शरीर में रक्त का संचरण जो करता है उसको बोलते हैं. फिर उसके बाद है रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम जो ब्रीथिंग करते हैं उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम. नर्वस सिस्टम है स्नायु विशेष के बारे में. डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हम खाना खाते हैं उसका पाचन कैसे होता है उसके बारे में. एक्सक्रीटरी सिस्टम, जैसे खाना खाने के बाद हजम होता है और फिर हम फ्रेश होते हैं, वो उसके बारे में. और उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि प्रजननकारी सिस्टम के प्रणाली के बारे में. तो हम पहले देखेंगे स्केलेटल सिस्टम. इट इज़ ए फ्रेमवर्क ऑफ 206 बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी. जो फ्रेमवर्क है स्केलेटल के अंदर कितने बोन्स में बनाया गया है, वो 206, 206 हड्डी में बनाया गया है. बोन्स गिव शेप एंड सपोर्ट आवर बॉडी. ये बोन्स क्या करता है, हमारे बॉडी का शेप देता है और फिर हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है. देखो अगर हम देखते हैं बॉडी में अगर बोन नहीं है तो कैसा होगा, हाँ लाइक भूत की जैसे, भूत की हड्डी नहीं होती है. लेकिन मनुष्यों का, जीवित प्राणी का क्या होती है, बोन्स होती है. दे प्रोटेक्ट आवर इंटरनल सिस्टम फ्रॉम हार्म. तो हर एक क्या है वो बचाता है हमें हर एक चीज़ों से, प्रोटेक्ट करता है. इंटरनल जो सिस्टम है उसको वो क्या करता है, बचा, खतरनाक चीज़ों से वो बचा के रखता है.
द रीब केज प्रोटेक्ट द हार्ट एंड द लंग्स। जो रीब केज होती हैं यानी कि पसली पिंजरा जिस बोलते हैं, वो क्या करता है हमारे हार्ट को और लंग्स को क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है। द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन आइस एंड ईयर्स। जो स्कल है वो क्या करता है, खोपड़ी हमारी ब्रेन को, आइस को और ईयर्स को क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है। मस्कुलर सिस्टम देखेंगे हम। मस्कुलर सिस्टम क्या है, द मसल्स ऑफ आवर बॉडी फ्रॉम द मस्कुलर सिस्टम। जो हमारी बॉडी का जो मसल्स है वो क्या है, किसमें है, वो मस्कुलर सिस्टम्स में है। देर आर अबाउट 650 मसल्स इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर जैसे हम देखें कि बोन्स कितने हैं 206, तो मसल्स कितने हैं 650 मसल्स है। रेगुलर एक्सरसाइज मेक आवर मसल स्ट्रॉन्ग। अगर रेगुलर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारे मसल्स क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। उसके बाद हम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। इट इज़ मेड अप ऑफ द हार्ट ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। तो वो किस में बना हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट में, ब्लड में और ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स आर टीनी ट्यूब्स दैट कम आउट ऑफ द हार्ट एंड वर्क लाइक ए रेलवे नेटवर्क। तो ब्लड वेसल्स जो है छोटे छोटे ट्यूब से बना हुआ है, हार्ट से बाहर निकलता है और फिर जैसे हम देखते हैं कि रेलवे नेटवर्क के जैसे वो काम करता है। दे सप्लाई ब्लड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। वो क्या करता है, पूरे बॉडी में क्या करता है, वो सप्लाई करता है किसको, ब्लड को। रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे, जो ब्रीथिंग की। दिस सिस्टम हेल्प इन ब्रीथिंग एंड सप्लाइंग ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये सिस्टम क्या करता है, ब्रीथिंग, सांस लेते हैं, छोड़ते हैं हम, है ना, ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ते हैं, है ना। तो इसी में ये हमें मदद करता है। वी ब्रीथ इन फ्रेश एयर थ्रू आवर नोज। हम किस में ब्रीथिंग करते हैं, नोज में हम ब्रीथिंग करते हैं और वो भी फ्रेश एयर ब्रीथ करते हैं। द फिल्टर्ड एयर फ्रॉम आवर नोज ट्रेवल अलोंग द विंड पाइप एंड रिचेस द लंग्स। वो क्या करता है, वो फिल्टर होता है और फिर वो विंड पाइप थ्रू वो पहुंचता है लंग्स तक। द लंग्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। तो वो लंग्स में ऑक्सीजन एयर क्या होता है, वो लंग्स तक पहुंचती है ऑक्सीजन। इन एंटर्स द ब्लड एंड इट इज सप्लाइड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फिर वो क्या करता है, पूरे बॉडी के अंदर हर पार्ट में ब्लड को सप्लाई करता है। वी ब्रीथ आवर एयर थ्रू आवर नोज। तो हम ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन हम करते हैं तो वो क्या है, फ्रेश एयर करते हैं नोज में। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, वी ब्रीथ आउट एयर थ्रू आवर नोज। नोज में ही हम ब्रीथ इन करते हैं और नोज में ही हम ब्रीथ आउट करते हैं। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में हम देखेंगे क्या है। इट कॉन्सिस्ट ऑफ ए स्पिनल कॉर्ड, ब्रेन एंड नर्वस। तो ये क्या है, किस किस में बना हुआ है, स्पिनल कॉर्ड है और फिर ब्रेन और नर्वस में बना हुआ। स्पिनल कॉर्ड मीन्स हमारे जो पीछे भाग हैं, हमारी बैक साइड है जो यानी कि हमारे हेड से लेकर पूरा हमारी कमर तक। द ब्रेन कंट्रोल ऑल द सिस्टम एंड बॉडी पार्ट्स। ब्रेन क्या करता है, पूरे बॉडी पार्ट्स को वो कंट्रोल करता है, सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है। अगर हमारे ब्रेन काम नहीं करता है तो हम कुछ भी थिंकिंग नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ पता भी नहीं चलेगा। जैसे कि पागल लोग को हम देखते हैं, उनको कुछ भी पता नहीं, कुछ भी खा सकते हैं, जैसे भी घूम सकते हैं विदाउट कपड़े में। लेकिन हमारी बॉडी में क्या है, हमारे ब्रेन काम करता है, वो कंट्रोल करता है। इट हेल्प अस टू थिंक एंड इमेजिन। वो हमें सोचने के लिए, है ना, मदद करता है। नर्वस कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। जो नर्वस होता है वो क्या करता है, पूरा मैसेज, है ना, ब्रेन तक वो पहुंचाता है।
डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद देखेंगे हम पाचन क्रिया क्या है, जो हम खाना खाते हैं उसका पाचन होता है। दिस सिस्टम हेल्प अस टू ब्रेक डाउन द फूड इनटू द सिंपल फॉर्म। तो जैसे हम पहले खाना खाते तो क्या करते हैं, निगल लेते हैं, नहीं पहले हम रोटी को लेते हैं, चबाते हैं, तो और उसके बाद क्या है हमारी हमारी जो ये पाइप के थ्रू हमारी स्टोमक में जाती है, हाँ, और इंटेस्टाइन में जाता है, और फिर वो क्या होता है, हजम होता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क इन द फॉलोइंग वे, कौन कौन सी वे में ये क्या है वर्क करता है हम देखेंगे। सलीबा ब्रेक्स अप फूड इन द माउथ, सलीबा मीन्स एक लाल यानी कि थूक है, वो क्या करता है हमारे माउथ के अंदर ही है। देखो सभी को हम ऐसे करते हैं तो निकलती रहती है, निकलती रहती है। द फूड देन पास द थ्रो द फूड पाइप एंड एंटर्स द स्टोमक। तो हमारे दो पाइप से, एक तो है विंड पाइप है और दूसरा क्या है फूड पाइप है, दो पाइप है यहाँ पे। तो फूड पाइप में क्या होता है, वो फूड जाके स्टोमक तक पहुँचता है। इन द स्टोमक द फूड मिक्स विथ जूसेस टू फॉर्म अ थिक सूप। तो स्टोमक में जाने के बाद वहाँ पे एक जूस है और उसके थिक जूस है, उसके साथ क्या होता है वो मिक्स होता है। द थिक सूप देन एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, जब वो मिक्स हो जाता है उसके बाद वो एंटर्स करता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में है, लार्ज इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन है, जिसको हम बोलते हैं अंत्रिडी। द लेफ्ट ओवर एंटर इन टू द लार्ज इंटेस्टाइन एंड लेवल द बॉडी अस वेस्ट। उसके बाद लेफ्ट वाला जो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके वो क्या करता है, वो जो वेस्ट थिंग्स है वो बाहर निकल जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, इट हेल्प्स टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है तो उसमें क्या होता है कि सारे हम जो खाना खाते हैं वो हजम होने के बाद वो क्या है, बाहर जो वेस्ट थिंग्स होती है, जो जरूरी चीज़ है, जितना हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है वो तो रह जाता है, और जो वेस्ट है वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेन एंड वुमेन हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट हेल्प इन द रिप्रोडक्सिंग द यंग वंस। तो फिर वो जननी, जनन वाला क्या है ये प्रजननकारी है और डिफरेंट होता है वो, ठीक है, तो वो अलग अलग होता है, और फिर वो क्या, हम एक यंग वंस को हम पैदा करते हैं। ओके, तो बच्चों आपको ये चैप्टर ह्यूमन बॉडीज़ का समझ में आ गई होगी, और आपको, आप अच्छे से वीडियो को देखना और समझने के लिए, आप अगर आपके पास बुक है, बुक भी रीडिंग करना, उसके साथ साथ वीडियो को भी देखना। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।